हाय नीरदर्शन, आप कैमरा के पीछे क्या कर रहे हैं? आई एम कमिंग। यू आर कमिंग, जल्दी आइए जी। मेरा नाम राजीव लोचन त्रिपाठी है और मैंने फिलोसफी डिपार्टमेंट में इस बार BHU PhD में रैंक 1 हासिल की है। और आगे का वीडियो अब बना है अच्छा, लेकिन आपका मन होगा तो देखिएगा और मन नहीं होगा तो मत देखिएगा। क्योंकि नहीं समझ में आने वाला है क्या होने वाला है। समझ में भी आएगा, नहीं समझ में भी आएगा, वो डिपेंड करता है कि आप फिलोसफी से कितना प्यार है आपको। हाँ, मतलब जनरल, मतलब क्वेश्चंस पे। हाँ, जनरल क्वेश्चंस पे, फंडामेंटल क्वेश्चन, एग्जिस्टेंस पे, लाइफ लिविंग एग्जिस्टेंस पे, एलिमेंट्स पे, ट्रूथ पे, डार्क पे, लाइट पे, लाइट पे, जस्टिस पे, सोल पे, फीलिंग्स पे, इमोशंस, लव, इमोशंस, इन सब पे कितना आपका कमांड है, कितना आपका कमांड करता है सोचने समझने बात करने का। हंसिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं फिलोसफिकल टॉक विद राजीव लोचन त्रिपाठी। हाँ, हम ही, आप भी हो सकते हैं। मैं हूँ राजीव लोचन त्रिपाठी, तुम नीरदर्शन। नहीं नहीं, राजीव लोचन त्रिपाठी ठीक है, ठीक है, ओके, मिलते हैं। और ये है नीरदर्शन। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाय। अच्छा, वो एमए में भी टॉक नीरदर्शन ने राजीव लोचन त्रिपाठी का। अच्छा अच्छा, अभी और बचा है लिया था। हाँ, PhD में भी ले रहा हूँ, आगे हाँ, भी लूंगा मैं। हाँ, नीरदर्शन आगे भी लेंगे। मतलब कि Exactly. आगे भी इंटरव्यू लेते रहेंगे, अपनी चित्रकला करते रहेंगे, करता रहूंगा। और इनकी स्माइल क्या गजब है। तुमसे कम नहीं, ज्यादा है, ज्यादा है, एक्सट्रीम है। मजा आने वाला है। फिलोसफिकल टॉक विद राजीव लोचन त्रिपाठी। यस, हाउ इज इट पॉसिबल यू गॉट फर्स्ट रैंक इन फिलोसफी? बिकॉज एक्चुअली यू हैव ट्रूथ। हाँ, तुम रटते नहीं हो। रटता नहीं हो, कभी कभी कुछ चीजें होती हैं फैक्चुअल होती हैं, उसको रटना पड़ता है, लेकिन मैं रट नहीं पाता हूँ नेचुरली। टाइम ओवर हो जाएगा, कैमरा में वो नहीं, हाँ, स्पेस नहीं। टाइम ओवर हो जाएगा, स्टार्ट करते पूरा। हाँ, सुनो, समझो क्या है दर्शन, बस सुनो, दर्शन को समझना है, बस सुनो सुनना ही समझना है भाई, और क्या है? सुनना ही समझना है। पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या वीडियो समझ में आएगी कि नहीं, वीडियो समझ में आएगी कि नहीं, ना समझ आएगी आए। ना समझ में आए तो तब क्या फर्क पड़ता है, अच्छा, क्या फर्क पड़ता अच्छा है? लगता है तब भी अच्छा लगता है। अपना कोई फेवरेट लाइन गाओ गाने का, कोई कोई, कोई बहुत अच्छी लाइन जो तुम्हें आती हो। हाँ, कोई सॉन्ग्स तुम्हें, सॉन्ग्स सॉन्ग्स में, पता है सॉन्ग्स जो होते हैं, यानी जब भी हम लोग सॉन्ग्स, फीलिंग, लव, इमोशंस की बात करते हैं, वो तुरंत बियॉन्ड द फिलॉसफी चला जाता है बात। हाँ, थोड़ा सा इमोशन पे आप चले जाते हैं, बट वो भी अच्छा। तो गा सकते हैं। टन 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 टन, अरे आप तो कैमरा के आगे आ जाइए। तो फाइनली वो समय आ गया है जब हम लोग इस दुनिया के सामने आने वाले। आप तो दुनिया के पीछे जा रहे हैं। मैं बस इस पत्थर के पीछे जा रहा हूँ। नहीं तो ये अगर आपकी दुनिया है, तो अगर आप इसको दुनिया मान लेते हैं तब तो आप दुनिया के पीछे जा रहे हैं, लेकिन आप पूरे इस एनवायरनमेंट को अगर कैप्चर करते हैं तो अगर आप देखें तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर आप इस पत्थर को दुनिया मान लेंगे तो आप दुनिया के पीछे जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपको कैसे पता है कि आप सच में यहाँ एग्जिस्ट करते हैं? जी, सबसे पहली बात कि मुझे ये नहीं पता कि कुछ भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि मैं अपने परसेप्शन पे वो नहीं कर सकता। अच्छा। मतलब पूरे तरीके से कन्फर्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं वो हमको काफी, मतलब वो करते हैं, एक तरीके से भ्रमित करते हैं, डाउटफुल बनाते हैं। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि ये सब कुछ झूठ है? देखिए, ऐसा कभी कभी लगता है। ये क्या है? मैं इसको होठों पे लगाता हूँ, मुझे लगता है बात करते करते कभी होठ सूख जाते हैं। ओके ओके, वो तो पहले से ही सूखा होगा, तो मैं इसको कर लूंगा। ओके ठीक, आई एम ऑफरिंग यू। या यू आर ऑफरिंग, आई एम एक्सेप्टिंग, आई एम ऑफरिंग समथिंग डिफरेंट। सम अ लॉट ऑफ पर्सन ऑफरिंग यू अ बॉटल ऑफ वाटर एंड समथिंग फॉर ईटिंग, आई एम ऑफरिंग दिस। ओके, सो कंटिन्यू। या बताइए। सो आपके जो सेंसेस हैं, मतलब वो
वो आपको जो है कि पूरी पिक्चर नहीं दिखाते हैं, हमेशा मतलब जो है कि उसकी फ्रेगमेंटेड पिक्चर दिखाते हैं किसी भी चीज की. ओ क्योंकि जो आपकी धारणाएं हैं, जो आपके बिलीफ्स हैं, जो आपके मतलब पहले से सोसाइटी ने आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन डाली है, सोसाइटी डालती है लगता है, मुझे नहीं लगता है. हाँ ऐसा भी हो सकता है, इस पे भी डाउट किया जाता है. तुम्हें लगता है कि सोसाइटी ही हमारे अंदर मैसेज डालती है या आइडियाज? एक्चुअली ई स्टोन है, जस्ट थिंक अबाउट दिस, या दिस इज स्टोन, या ओके, एंड एन आइडियाज इन आर्टिस्टिक माइंड एंड ठक 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 एंड and this. Sculptures are made out of ideas. This actually look like, yeah. So how is it possible and how this stone convert in this structure? How actually there is no fixed criteria that this stone will convert into this stone. Exactly, I am talking this. Yeah. So this is actually look like you. This is Rajiv Lochan Tripathi, right? Yeah. What is the evidence you are Rajiv Lochan Tripathi? No, I will doubt that also, because here there is no name. Like this is just a body. Like you have given me a name so that ताकि हम लोग बात कर सकें. जैसे कि आपको कोई नाम दिया गया है और हमको कोई नाम दिया गया है ताकि हम लोग सोसाइटी में फंक्शन कर सकें. लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि अगर आपको मेरे नाम से बुलाया जाएगा और हमको मेरे हमको आपके नाम आप से बुलाया जाएगा, हो सकते हो और मैं राजीव भी हो सकता हूँ. तो वो केवल एक सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट है जो नाम है. रियलिटी में नाम जो आपका है केवल वो एक इल्यूजन, वो आपको सोसाइटी ने दिया है ताकि सोसाइटी आपको अपने हिसाब से चला सके. अच्छा, कभी आपका सुसाइड करने का मन किया? सुसाइडल थॉट्स तो देखिए कभी ना कभी अगर रिसर्च की जाएगी तो ये मतलब सिचुएशन के हिसाब से, मतलब लाइफ में कभी भी बहुत ज्यादा जब आता है स्ट्रेस की बात, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं डाउट में हूँ. जब हम कुछ रियल नहीं है तो सुसाइडल थॉट्स जो है वो एक्चुअली जब हम लोग सच में प्योर नहीं है, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो कैसे आना चाहिए और क्यों आना? देखिए एक फेनोमेनन होता है फिलोसफी में जिसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. ओके, तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में क्या होता है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जैसे कि ये स्टोन पे आपने हाथ रखा है तो आपको कुछ फील हो रहा होगा. तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा हाइपर हो जाती है कि आप चीजों में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि वो ओवर लिमिट हो जाती है. तो आपका ब्रेन और बॉडी जो है डिस्कनेक्ट फील करने लगता है. तो माइंड और बॉडी जब डिस्कनेक्ट होता है तो जो बॉडी आपकी मैं डाउटिंग पे और ऊपर जाता हूँ, ठीक है, मैं डाउटिंग पे और ऊपर जाना चाहता हूँ. मैं ये चाहता हूँ, नहीं ऊपर नहीं, मतलब बातें करना चाहता हूँ. मैं ये चाहता हूँ कि मैं राजू और नीर के बीच में ही क्यों डाउट करूं? हाँ, मैं राजू और या हमारा सर कट रहा है तो जस्ट यू कैन रोल द नो 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 नॉट जस्ट यू हैव अनदर साइड मतलब हाउ व्हाट दीस आर थिंग्स व्हिच आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. द क्वेश्चंस आर यू हैव क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. This is camera. The question is what is creating the problem, not the answers. The question create the answers, not the answer creating the question. Or it's the other way. मतलब हम लोग के जो उत्तर हैं वही क्वेश्चन बनाते हैं. Oh my God. उत्तर पहले आए हैं तभी क्वेश्चन बनता है. आप अगर देखेंगे तो पहले क्वेश्चन नहीं आया. अच्छा, मतलब पहले आपके मन में इंफॉर्मेशन आया. Powerful source of light. Please name. Powerful source of light. That is sun. The sun. You are saying sun is first or light is first? Just tell me. Sun is first or light is first? The light is first. How is possible? Just you are saying sun is a source of good source of light. You are saying because
बल्ब नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. जैसे जैसे कि आपकी जो चेतना है वो जब आप सोते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी चेतना खत्म हो गई. चेतना तो है, जैसे कि बल्ब सोया हुआ है केवल स्विच ऑन हो गई, आप जग गए तो वो जो चेतना है वो चेतना इसमें आ जाएगी तो ये पत्थर भी चल सकता है. ये हम नहीं कह सकते कि इसमें चेतना नहीं है. हम ये कह सकते ये नीर हो सकता है, ये नीर हो सकता है. Oh my God. मतलब नीर में कुछ है, नीर में कुछ है जो जो मैं हूँ, ऐसा जो मैं हूँ यहाँ बातें कर रहा हूँ. बस उसकी फ्रीक्वेंसी इसमें कम है, जो चेतना है उसकी फ्रीक्वेंसी इसमें कम है तो वो आपके तरह बिहेव नहीं कर पा रहा. अच्छा, इस खुले आसमान को लेके देखिए, कभी देखी हो तो कैसा लगता है? खुले आसमान को देख के एक सेंस ऑफ रिलीफ आता है, एक सेंस ऑफ मतलब ऐसा लगता है कि बॉडी आपकी एक्सपैंड हो गई. मतलब ऐसा लगता है कि जो जो आपके जो बॉडी एक जगह फिक्स हो गई थी, मतलब आप सोचते हो कि आप इसी बॉडी में हो तो वो ऐसा लगता है कि आप एक्सपैंड कर रहे हो. आपकी दृष्टि जो है, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ तो अगर हम लोग कमरे में बात कर रहे होते तो मैं ज्यादा अपने तरफ सेल्फ कॉन्शियस होता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ. बट जितना ओपन स्पेसेस में चीजें होती हैं उतना हम रिलैक्स फील करते हैं. बट ये हमको ऐसा लगता है कि ये अंदर की चीजें ज्यादा हैं, मतलब अंदर सब्जेक्टिवली आप जितना अपने विचारों से लड़ना कम होते हैं, जितना जो कुछ हो रहा है उसको एक तरीके से इम्ब्रेस करते हैं तो धीरे धीरे आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो और ज्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं. ओके ओके, मीन्स यू हैव अ फिलोसफिकल थॉट, यू आर अ फिलोसोफर. अब आप हमको बताइए कि मैं नीचे बैठा हूँ कि आप ऊपर बैठे हैं? Exactly, good question. I am so happy. Yeah. You have a good question for me. But क्या ये question जो मैं आपसे पूछा हूँ ये पहले मेरे अंदर आंसर था कि ये ऊपर नीचे होता है तभी मैं क्वेश्चन पूछा हूँ ना? Exactly. अगर मुझे पता ही नहीं होता कि ये ऊपर नीचे है तो मैं क्वेश्चन ही कहाँ पूछता. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! What's going? What's going? What's going on? Magic. Actually, I am not seated. Actually, मैं बैठा ही नहीं हूँ. बैठना is also a concept. Like इसको आप खड़ा होना कहते हैं. अब इसको मैं बैठना कह दूँ तो क्या ये change हो गया? नहीं. तो thoughts से कुछ नहीं. Thoughts exactly. Thoughts से कुछ नहीं. Like I want to give example. Yeah, exactly. This. तोड़ना नहीं चाहता. This is actually look like green. Okay. ये blue. This is, I think, cream color or something. हाँ, किसी ने बनाया, किसी ने पहली बार बोला. हाँ, ऐसा भी सोचता है ये ब्लू है. Yeah. वो क्रीम है. और जिसने बोला, how can we be sure that this is ये वो मुझे लग रहा है ये क्रीम. हम बोल रहे कि ये ग्रीन है. मुझे लगता है ना कि वो इक्वालिटी के लिए वो हर कोई एक जैसा बराबर में आ सके. हाँ. क्योंकि सोसाइटी को ऐसा क्यों बनाना चाहिए था? क्योंकि सोसाइटी का जो लॉन्ग लाइफ है, जो सोसाइटी को आगे ले जाने की जो दिख रहा, जो टेंडेंसी थी, जो लोगों को नजर आई कभी, वो ज्यादा इक्वालिटी में नजर आई. अनइक्वालिटी में अनबैलेंस हो रहा था सब. कोई इधर जा रहा है, कोई तो उस फंक्शंस को इस रो में करने के लिए ऐसे करने के लिए. और फिर तो समझ गया तुम्हें क्या बोला. मैं बोला कि इन सब चीजों को बराबर करने के लिए शायद किसी ने बोला कि ये पीला है और ये हरा है और ये लाल है और ये काला है. हाँ, मतलब कि चीजों को एक तरीके से फंक्शनल वे में सोसाइटी में लाया जाए. हाँ. ताकि हम लोग सोशल मैट्रिक्स का पार्ट बन सके. Exactly. ये सोशल मैट्रिक्स है. हाँ, सोशल मैट्रिक्स. जितने भी ये सब, जैसे हम लोग इसको लेबल बना दिए हैं कि स्टोन है, आप नीर है, हम राजीव है, ये फंक्शन के लिए, ताकि लोग पहचान सके, लोग फंक्शन कर सके. नहीं तो काफी ज्यादा केओस हो जाएगा सोसाइटी. सही बात है. अच्छा, एक बात बताइए, सही बात क्या है और गलत बात क्या है? इसके बारे में हम सही गलत हो सकते हैं? हमेशा सही और गलत का जो निर्णय है वो समय और सिचुएशंस. हाँ, टाइम एंड सिचुएशंस. लेकिन टाइम एंड सिचुएशन तो एक ही चीज हो गया, मुझे लग रहा है. हाँ, दोनों एक ही चीज हो गया लगभग. तो टाइम इंपॉर्टेंट है. अगर मुझे कभी बोले कि तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब फिलोसफिकल वे में,
तुम्हें क्या लगता है कि कोई सच में कोई एक चीज एग्जिस्ट करता है? तो मुझे लगता है कि जिसने भी बनाया हमें तुम्हें सब कुछ को, जो हमें शायद उल्लू बनाने के लिए भी बनाया जा सकता है जी, हो सकता है हम सोए हों हाँ किसी दूसरे स्पीसीज में और हमें सपना दिया गया ह्यूमन बीइंग का कि हम ऐसे हैं, हमारी हाँ। दो आंखें हैं हाँ, हमारी दो हाथ हैं, हम पैर है हाँ, और हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, बॉक्सिंग हाँ। कर सकते हैं हाँ। लेकिन हंस भी सकते हैं हाँ, 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 हाँ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो बनाया वो हर कुछ को उल्लू बना सकता है, हमें तुम्हें हर स्पीसीज को, लेकिन वो समय के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। टाइम उसके लिए खेलने का सामान नहीं है, वो समय के सामने हारा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए टाइम ही है जहाँ पे वो हार जा रहा है, बाकी चीज़ों से तो वो जीत सकता है। वो हमारे माइंड में सपने डाल सकता है, वो हमारे माइंड में चीज़ों को बदलने की टेंडेंसी रख सकता है, और वो बता सकता है कि ये कलर में पिंक है, लेकिन वो समय के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। समय भी क्या है, कॉन्सेप्ट है, मतलब अभी हाँ, अभी exactly. आप क्लॉक नहीं देख रहे हैं तो अभी वैसे कि आपको कहीं समय नहीं दिख रहा है, आपको केवल दिख रहा है, मतलब कि आपको केवल परसेप्शन हो रहा है। टाइम भी एक तरीके का आप देखेंगे तो स्पेस टाइम भी आपके माइंड की एक कल्पना ही है। एक्चुअली समय को भी हम लोग मतलब रिलेट कर रहे हैं ना, तब पता चल रहा है कि एक्चुअली समय मतलब टाइम इज गोइंग। जैसे कि मैं वॉक कर रहा हूं तो मुझे समय का आइडिया हो रहा है या डिस्टेंस का आइडिया हो रहा है। अगर मैं इसको बहुत जूम आउट कर दूं, बहुत जूम कर दूं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा महसूस हो सकता है कि ये सब कुछ रुक गया है क्या? हाँ, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जिस पर्सपेक्टिव को काफी बड़ा मान रहे थे वो पर्सपेक्टिव काफी छोटा है। जैसे कि कार्ल सेगन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने वोएजर एक फोटो था मतलब खींचा था अर्थ का, तो वो अर्थ केवल डॉट से भी छोटी आ रही थी। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग की परसेप्शन इतनी बड़ी है, लेकिन अर्थ को भी देखा जाए एक मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिवर्स पे तो बहुत छोटा है, वो भी बहुत छोटा बहुत छोटा है हाँ। तो वो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट में कोई मुझे याद आ रहा है शायद गैलीलियो ने बोला हुआ था गिव मी अ प्लेस इन यूनिवर्स एंड आई सीक द अर्थ मुझे पता है पता है देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं बस इतना कहना चाहता हूँ वो दो आदमी इतना कॉन्सेंट्रेट थे अपनी चीजों को लेके हम लोग इतनी बातें कि उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो वो हमारे लिए फिलोसफिकल बॉडी थे। आई वॉन्ट टू सिट देयर ओके जस्ट कैमरा मैन यू हैव टू जूम आई वॉन्ट नो व्हाट आई वॉन्ट आई वॉन्ट अगर आप आई को निकाल दें और वॉन्ट को निकाल दें तो केवल खुशी बचती अगर आप ईगो को निकाल दें और डिजायर को निकाल दें तो केवल जस्ट हैप्पीनेस बचता जस्ट दिस इज द प्रॉपर प्लेस बट दिस इज क्वाइट लोअर देन दोस टू प्लेसेस लाइक देयर हाउ टू कैरेक्टराइज दैट दिस इज लोअर देन दैट एग्जैक्टली दैट इज मोर लोअर देन दिस बट क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि फिलोसफी एक तरीके का एम्बॉडीमेंट होना चाहिए केवल कंसेप्चुअल नहीं होना चाहिए नीर दर्शन कैमरा ठीक करते हुए मैं उस कबूतर को पानी पिला क्या हूं वो अपने से भी तो पानी पी लेगी यही मैं सिखाना चाहता हूं कि हम सोचते हैं कि हम कर दें और वो हो जाएगा देखिए सोच जो है हम लोग काफी बार जो हमारे एक्शन होते हैं और हमारी थॉट होती है उसको फ्यूज कर देते हैं एक साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है कि हम सोचते हैं कि मेरे दिमाग में कोई विचार आ गया कोई डर का विचार आ गया या कोई भी तरह का बुरा विचार आ गया तो उससे हम घबराने लग जाते हैं लेकिन विचार क्या होता है केवल एक शब्दों का एक वो है मेड अप वो बिलीव है तो विचार के आने से मन में कुछ नहीं होता आप विचार पे कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं उसको कितना ज्यादा पकड़ रहे हैं कितना ज्यादा उस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उससे होता है मतलब जैसे यही है कि यहाँ पे इतने सारे चीजें रखे हुए हैं लेकिन आप उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उसी तरह ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसी तरह हमारे मन में भी ऑब्जेक्ट्स आते रहते हैं विचार आते रहते हैं तो ये
जरूरी है कि आप किस चीज, किस विचार या किस ऑब्जेक्ट को इस बाहरी दुनिया में फोकस कर रहे हैं, वही चीज ग्रो करती है ज्यादा। ये दुनिया क्यों बनाई गई होगी? सबसे पहली बात कि आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं कि दुनिया मतलब बनाने वाला है भी कि नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई चीज बनाने वाला हो ही। अच्छा, कभी कभी रैंडम चीजें भी हो जाती हैं, उसको कोई करता नहीं। अच्छा, कभी कॉन्शियसनेस पे डाउट हुआ है? जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस आने से सब कुछ लिविंग लगता है, हो सकता है कॉन्शियसनेस पे डाउट क्यों नहीं कर सकते? क्यों तुम्हें लगता है कि नीर के अंदर कुछ आया और नीर को नीर बना दिया, या राजीव के अंदर कुछ आया राजीव को राजीव बना दिया? हो सकता है कि कॉन्शियसनेस पे क्यों डाउट नहीं हो रहा है, क्यों कॉन्शियस डाउट क्यों नहीं कर रहे होता? देखिए, कॉन्शियसनेस, मैं एक चीज को चैलेंज करना चाहूंगा। मैं बोलना चाहूंगा कि कॉन्शियसनेस जो होती है हमारे अंदर, वो हमको और डेड बना देती है, क्योंकि जितनी ज्यादा कॉन्शियसनेस होती है उतनी ज्यादा हम चीजों को एनालाइज करते हैं, और जितना ज्यादा एनालाइज करते हैं उतने ज्यादा पैरेलल यूनिवर्स दिमाग में बन जाते हैं, और जितने ज्यादा चॉइसेस हमारे पास होते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि चिड़िया है जो चहचहा रही है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो ना करे कि करे, वो केवल रैंडमली उसका नेचर ही हुआ है, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस उतनी डेवलप नहीं हुई। तो ये वरदान भी है हमारा कि हमारे में कॉन्शियसनेस है। मुझे लगता है कॉन्शियसनेस लिमिटलेस है, उसमें इम्प्रूवमेंट भी तो हो सकता है। आज उतना ही बोल पा रही है, कल को हो सकता है और अच्छा बोल पाए। जी, इम्प्रूवमेंट के साथ देखिए क्या है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब जैसे कि वो चिड़िया अगर इम्प्रूव हो जाएगी तो उसके लिए जो है एक तरीके का वरदान नहीं होगा, अभिशाप होगा, क्योंकि एक तरीके का उसका फ्लो है जिसमें वो खुश है। और हम लोग का क्या है कि कॉन्शियसनेस ज्यादा होने किसी के हैप्पीनेस का डेफिनेशन कैसे बना सकते हो? हाउ इज इट पॉसिबल यू आर मेकिंग अ हैप्पीनेस डेफिनेशन फॉर समवन? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये खुद का सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मैं इसको सही या गलत नहीं कहूंगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज जितने ज्यादा फ्लो स्टेट में है, मतलब वो एक रूटीन में मतलब चल रही है या उसका एक निर्धारित फ्लो है, तो अगर वो उसमें काम कर रही है। Actually, we're talking about what? We're talking about चीजों को balance. You are balancing something. Yeah. We're talking about balancing. Yeah. You are trying to define for a subject's definition, like someone laughing, someone talking, and after some times, this habit for this someone particular person. For a long time. And finalize as a definition. Understand? Yeah. What? Actually, I didn't understand. Actually, not understanding is the best understanding. Exactly. Because you are living freely without any. जब समझ होती है, समझ आपको बांध देती है। अब जैसे मैं बहुत ज्यादा समझने लगूं कि मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा, कैमरा सामने है या ऐसे है, तो फ्लो रुक जाएगा। और जैसे ज्यादा ऐसे नहीं करना है, मतलब ऐसे रहना है, खड़े रहना है, मतलब ऐसे रहना है, तो वो फ्लो को डिस्टर्ब करता है। तो वो समझ ही है जो हम लोग को एक तरीके का बैरियर बहुत बड़ा, क्योंकि वो हमारे और आप में जो एक है, मतलब फंडामेंटली आपकी बॉडी उसी एलिमेंट से बनी है, मेरी बॉडी उसी एलिमेंट से बनी है, तो समझ कि आप नीर है मैं राजीव हूँ हमको अलग बना देती है। जबकि उस पेड़ से या कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे, उससे फंडामेंटली हम लोग अलग नहीं, बस इसको बोल देते हैं कि ये पत्थर है और मैं ये हूँ, तो बस ये बंधन बना देता है कि मैं इससे अलग हूँ, ये मेरे ऊपर गिर सकता है, मुझे बचना चाहिए इससे। तो ये प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल इसको ऐसे उठा के मारूं छोड़ने लगे नहीं, बट वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकलिटी के लिए ये सही है कि हम सेपरेट महसूस करते हैं, बट इंटरनली हमें कभी सेपरेट महसूस करने पे ही सफरिंग आती है। आप देखेंगे कि ज्यादातर जब आप सफर कर रहे होते हैं तो आप इंटरनली सफर कर रहे होते हैं, सेपरेशन मतलब आप चीजों को अलग अलग विभाजित करके देखने लगते हैं, उस वजह से आपके विचारों में द्वंद आ जाता है। तुम्हारी लाइफ का सबसे पेनफुल पीरियड क्या होगा या हुआ या होने वाला है, सबसे दर्द भरा? मेरे लाइफ का पेनफुल पीरियड वही हो सकता है कि जिसमें
मैं किसी भी नेगेटिव थॉट को बिलीव करने लगूं, जैसे कि अभी मेरे माइंड में कुछ भी नेगेटिव आ जाएगा और मैं उस पे एनर्जी देने लगूं, उसको बिलीव करने लगूं। अच्छा, किसी नेगेटिव थॉट को एनर्जी सोचना, एनर्जी देना वो आपको पेनफुल बना ही देगा। मतलब अगर आप कोई भी थॉट आया, कोई भी इमोशन मतलब आया, किसी भी नेगेटिव थॉट के लिए जो फ्यूल है वो आप खुद देते हो उसको बना के। मतलब थॉट अपने में पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, थॉट नेगेटिव नहीं, आप उस पर रिएक्शन जो देते हैं कि नहीं ये नहीं आना चाहिए दिमाग में, उसी टाइम आपको दुख होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो उस समय थॉट आपको दिया है, वो लॉ है कि थॉट आना ही था आपके दिमाग में, वो चीज होनी ही थी। अब उसको आप अपने मन से रेजिस्ट करेंगे, मतलब अपने मन से उसका द्वंद करेंगे, तो आपको सफरिंग होगा। तो सफरिंग का एक फॉर्मूला है, दर्द गुणे जितना आप द्वंद कर रहे हैं, जितना रेजिस्ट कर रहे हैं तो उतनी ही बढ़ेगी। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है और आप मतलब एकदम ओपनली उसको फील कर रहे हैं, मतलब कुछ उसमें दबाव नहीं दे रहे हैं अपनी तरफ से कि ये नहीं होना चाहिए, वो मतलब ये हील हो जाना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, तो जैसे ही आप फील करते हैं तो तुरंत हील हो जाता है। आप देखेंगे सफरिंग नहीं होती है, पेन होती है। बुद्धा भी यही कहते हैं कि जो हमारा दर्द है वो तो होगा, क्योंकि जिंदगी का नेचर ही दर्द है। I लेकिन think Buddha is your favorite philosopher. Yes, Buddha is my favorite philosopher. But वो neuroscientist भी थे एक तरीके से देखा जाए तो पेन इनिविटेबल है। जैसे कि मैं हाथ से ऐसे मारूंगा तो मुझे दर्द हुआ, लेकिन दूसरा लेयर जो है वो मैं बनाता हूँ कि इसको मैंने हाथ से ऐसे मारा तो अब जो दर्द हो रहा है वो मैं सोचूं कि क्यों हो रहा है, ये सेंसेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई पेनफुल किसी की डेथ हो गई क्यों होनी चाहिए थी। ये तो सत्य है, वो तो पेन हो गई। अब आप उसके बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे, जितना उसे लड़ने का प्रयास करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था, ये थॉट नहीं आना चाहिए, हमको सैड नहीं फील करना चाहिए से आप और सैड हो जाते हैं, जबकि सैडनेस में अपने आप में कोई बुरा या खराब इमोशन नहीं है। लड़कियां वाले मैटर करती हैं। देखिए जो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल जो मेरे अंदर सेल्फ है उसके लिए तो मेरी बॉडी क्या किस लिए बनी, हम सबकी बॉडी बनी है रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब कि ताकि हमारी जीन्स जो है वो आगे बढ़ सके। तो हमारा बायोलॉजिकल सेल्फ हमेशा जब तक ये बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती तब तक अट्रैक्ट होगा। इसलिए नेचर ना बहुत सेल्फिश है, वो हम लोग को बनाया इसीलिए है कि हम लोग नेचर को आगे ले जाएं, नेचर को आगे ले जाएं। तो जो रिप्रोडक्शन की जो है प्लेजर प्रिंसिपल नहीं है जो हम लोगों को लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट करता है, वो आपका रिप्रोडक्शन का है ताकि नेचर अपने आप को बचाना चाहता है। ब्यूटी अट्रैक्ट नहीं करता है, ब्यूटी तो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ब्यूटी इसलिए अट्रैक्ट करेगा क्योंकि जो क्या होता है कि आप ब्यूटी को देखते हैं तो आप बताइए आपके मन में क्या होता है, मतलब उस समय कोई थॉट होता है कि केवल एक तरीके से आपको लगता है रिलैक्स, मतलब आप उसमें खो जाते हैं, ऑब्जर्वर खत्म हो जाता है, एक एक जो ऐसे जो हमेशा हम लोग करके जीते हैं। मुझे लगता है कि जब मतलब ब्यूटी मतलब नॉट ओनली फॉर गर्ल्स आई एम टॉकिंग, ओके, आई थिंक मेरे माइंड में ब्यूटी को लेके ऐसा है कि मुझे ये भी अच्छा लग सकता है कुछ भी नेचर में। जैसे कि मान लीजिए ब्यूटी क्या है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरे सामने, अगर मैं केवल इसको बस ऑब्जर्व करूं, बस ऐसे 5 मिनट के लिए देखता रहूं, तो मेरा माइंड मतलब बस इसको देखता रहूं, तो ये ब्यूटी है। मतलब कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है ब्यूटी, किसी भी ऑब्जेक्ट में आप खो जाइए, मतलब उसको बस देखिए बिना किसी माइंड के थॉट को अगर मैं इसको एक लड़की पे देखूं कि लड़की की मैं देखूं कि लड़कियों के लिए मैं अपनी नजर अगर थोड़ा ब्यूटी की तरफ ले जाऊं तो मुझे लगेगा कि मैंने जब देखा तो सच में कुछ लगा कि रुक सा गया चीज। हाँ हाँ, तो क्या वो ब्यूटी है या वो लव है? देखिए हमें ऐसा लगता है कि ये 3 स्टेजेस होती है, जैसे आप किसी भी वुमेन को देखते हैं, अपोजिट जेंडर को देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही देखते हैं तो आपके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स और लस्ट पैदा करता है, जो सेक्सुअल इच्छा है आपकी वो पैदा करता है। मतलब तुम्हें लगता है कि वो जरूरी है, इस पार्ट्स के बगैर ये चीजें डिफाइन नहीं हो सकती क्या, मतलब ब्यूटी एंड लव? ब्यूटी वही तो स्टेज है। देखिए एक है लस्ट, फिर पहला स्टेज आ गया, जैसे ही आप मतलब तुम इसमें फिर सेकंड पार्ट है ब्यूटी। ब्यूटी को डिसाइड करने के लिए एक जेंडर का होना जरूरी है? ब्यूटी को डिसाइड करने के लिए तो जेंडरलेस है ना, मुझे लगता है ये तो जेंडरलेस है। मतलब ब्यूटी के लिए कोई जेंडर की क्या जरूरत है, वो तो गेंद्री में भी हो सकता है।
वो तो एनिमल में भी हो सकता है, स्टोन में, स्टेबल में हो सकता है, इन पत्तियों में हो सकता है, ब्यूटी इज ऑब्जर्वेशन। लेकिन हाँ, मैंने अगर लड़की को लेके बोला है तो वहां पे तुम बोल सकते हो कि मैं क्यों खोसा गया, तो क्या मेरे माइंड में वैसा ही कुछ आया जैसा आना चाहिए, आता है नेचर ने मुझे उसी लिए जो बनाया वही आता है मेरे माइंड में। देखिए क्या है कि जो बायोलॉजिकल है वो तो आएगा, वो तो नेचुरल है, वो आता रहेगा, लेकिन आपकी एक इंट्यूशन है वो आएगा थर्ड स्टेज में जिसको लव बोलते हैं। तो आप जब वो लस्ट वाले स्टेज से आगे चले जाएंगे, मतलब उसको ट्रांसेंड कर जाएगी, मतलब उस फेज से अगर आप आगे नहीं जाएंगे तो आप थर्ड स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि ये भी हो सकता है कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग को इतना गहरा कर लीजिए कि आप सीधे लव पे पहुंच गए, या लड़की को देख रहे हैं, आप लड़की को देख रहे हैं तो बायोलॉजिकल उठ रहा है सेक्सुअल इम्पल्स, लेकिन आप जान रहे हैं कि नेचर का चाल है रिप्रोड्यूस करने के लिए आ रहा है, लेकिन लव क्या है, लव वो है मतलब नेचुरल। तो लश क्या है, जैसे ही आप जानगे कि ये तो रिप्रोडक्शन का खेल है, ये मेरा नहीं है, ये इस नेचर की देन है जो कि हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग जब भी जस्टिस की बात करते हैं, जब भी हम लोग कहते हैं कि अन्याय क्या है, न्याय क्या है, तो उसमें सबसे बड़ा अनजस्टिस तो नेचर हमारे साथ करता है, क्योंकि उसने, क्योंकि उस जनरली नेचर को तो हम लोग लव करते हैं, कहते हैं नेचर ने हमें बनाया, नेचर को रेस्पेक्ट करो, लव करो, लेकिन देखा जाए तो नेचर ने तो हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी ओरिजिन, हमारा एम, हमारी डिफिनेशन को तो प्रॉपर डिफाइन किया नहीं, या फिर वो तो हाइड एंड सीक खेल रहा है हमारे साथ, जाओ तुम पता करो, दिस इज नॉट माई इन वर्क। देखिए नेचुरली क्या है कि हम लोग दो ही चीज के लिए हमारी बॉडी बनी, एक खाना खाने के लिए, एक रिप्रोडक्शन के लिए, ये दो नेचुरल डिजायर्स हैं जो आपके अंदर आते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जस्टिस है ना वो हमारी कॉन्शियसनेस को इसलिए बनाया, मतलब तुम्हें सोचो अपनी बात, थोड़ा अपने माइंड को कि नेचर ने ये इनजस्टिस नहीं किया हमारे साथ, कि उसने हमें यूटिलाइज किया है अपने लिए, यूटिलाइज हम उसके लिए काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग थिंग्स फॉर नेचर। तो हम इस, हमारा कॉन्शियसनेस इसलिए बनाया गया था कि तुम्हारी बॉडी में राजीव को डालेंगे और तुम्हारा बॉडी वो जाके काम करके आएगा, मतलब हाउ शेमफुल नेचर तुमसे ये करवा रहा है। बट यू कैन से दैट ऑल अदर बीइंग्स, मतलब जैसे और सब बीइंग्स, ऐसा हो सकता है कि नेचर बस बदले में बस दो चीज मांग रहा है, खाओ और पैदा करो, बाकी तो तुम फ्री होइए और 70 साल के लिए जो करना है करते। देखिए इसी में एक चीज आ जाता है, कॉन्शियसनेस वाली बात जो हम लोग अभी कर रहे थे, ये जो दो चीज है फूड और रिप्रोडक्शन, ये जो कॉन्शियसनेस है उसी को ट्रांसेंड करने के लिए हम लोग यहाँ आए, मतलब उस कॉन्शियसनेस के थ्रू इस दो लेवल को ट्रांसेंड करने के लिए, इसमें रहते हुए भी मतलब अपने माइंड के लेवल पे फ्री होना, मतलब बाहर से जैसे कि हम लोग वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन इंटरनली हमको जरूरी नहीं है कि हम यही वस्त्र पहनेंगे तो हम खुश रहेंगे, या हमको इसी लड़के से शादी करना है तो हम खुश रहेंगे, मतलब सेटिस्फैक्शन के कई सारे रोल हो सकते हैं, कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब ये सेटिस्फैक्शन, ये शॉर्ट सेटिस्फैक्शन फॉर समवन समथिंग अदर और समवन अदर, दोनों चीजें हैं, दोनों चीज कुछ अलग है किसी और के लिए, और तुम्हारा सेल सेटिस्फैक्शन कुछ और है किसी और के लिए। तो नेचर सेटिस्फाइंग कैसे है, मुझे इसका आंसर दो, नेचर सेटिस्फाइंग कैसे है? नेचर को जब आप, क्योंकि नेचर तो, किसी, क्योंकि नेचर मैंने अभी हाल ही में देखा वो सऊदी अरेबिया फ्लड, फुल ऑफ वाटर, फ्लैश क्लाउडिंग होगी वहां पे, a lot of things happening in India also. Collision of continent places. Collision of continents, flooding, earthquakes. A lot of things. Volcanoes in some continents. तो नेचर तो एक सेकंड में सब खत्म कर सकता है ना, हमारी कॉन्शियस भी तो सब खत्म ही कर, मतलब कॉन्शियसनेस तो धरी धरी रह जाएगी, नेचर तो एक सेकंड में सब खत्म। अब मैं मुझे ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ है, यहाँ पे ये पूरा है हमारी बॉडी और कॉन्शियसनेस के साथ, ये एक लेबल है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, यहाँ हम लोग जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नेचर चाहता है कि हम इस लेबल को क्रॉस करें, क्रॉस करें, या कई बार हमारी हेल्प कर देता है क्रॉस कराने में, और हम डरते हैं कि डेथ एक्चुअली एग्जिस्ट है कि नहीं। हाँ, डेथ किसकी होती है, बॉडी की, ये तो डिफिनेशन बड़ी बहुत गंदी वाली है,
बॉडी सोल नहीं मरता है, मतलब क्यों डिफाइन कर रहे हो कि सोल मरता है कि नहीं? बॉडी ही नहीं मरती है, मैं बताता हूँ, क्योंकि बॉडी के जो एलिमेंट्स हैं वो जला दिए जाते हैं, फिर आप क्या बन गए? आप तो वो बन गए, जैसे ही आपकी जो अस्थियां हैं वो जली तो वो पानी में गई, तो आप तो वो बन गए, पानी बन गए। अब वो पानी कहीं गया तो आप कुछ और बन गए, तो आप मरे ही नहीं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं, जो बॉडी के एलिमेंट्स, बॉडी के एलिमेंट्स वो मरे कहां, वो तो केवल चेंज हो गया ना, फॉर्म चेंज हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि ये कहना बहुत गलत हो जाएगा कि बॉडी नथिंग, बॉडी इज नथिंग है, तो बहुत गलत कॉन्शियसनेस है, मतलब बहुत गलत डेफिनेशन है कि बॉडी नथिंग, जला दिए खत्म हो गया, ये तो बहुत गलत डेफिनेशन है कि जला दिए खत्म हो गया, हाउ इज पॉसिबल जला दिए खत्म हो गया, बस तुमने उसके फॉर्मेट को चेंज किया है। लाइक अगर इसको हम लोग रिलेट करें कि एनर्जी can't be created neither be destroyed but can only be changed from one form to another form, बस तो body is energy, can say like अभी जैसे कि five elements बोलते भी हैं लोग, जैसे कि हमें मान लीजिए यहाँ पे जला दिया जाए तो मैं ये ground बन जाऊंगा, फिर ये मतलब यहाँ से कहीं और ले जाया जाएगा, तो मान लीजिए कि कहीं प्लांट को ग्रो करने में मदद कर गया तो मैं ट्री बन गया, तो मैं मरा कहाँ, मैं तो चेंज, मैं हमेशा हूँ किसी चीज में, टेबल में, पत्थर में, पत्तों में, कॉन्शियसनेस तो हर जगह है, फिर कॉन्शियसनेस को ले आए, फिर कॉन्शियसनेस को ले आए, और कॉन्शियसनेस के भी लेवल पे हम, मुझे ऐसा लगता है और एलिमेंट्स के लेवल, मुझे मैं कॉन्शियसनेस का जो मैं डेफिनेशन सोचता हूँ वो यही है कि कोई डेफिनेशन नहीं सोचता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, वही तो, नहीं सोचना ही सबसे बड़ा डेफिनेशन, यही यही है मेरे लिए कॉन्शियसनेस, यही है कि मैं नहीं सोचता हूँ कि क्या है ये कॉन्शियसनेस। हाँ। मैं बॉडी के बारे में इसलिए सोचता हूँ क्योंकि बॉडी के ऊपर सोचा जा सकता है, और मैं उन तमाम चीजों पे नहीं सोचना चाहता जिसको मैं सबसे सुप्रीम मानता हूँ। अगर अगर तुम कॉन्शियसनेस को सुप्रीम मानते हो तो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहूंगा कि मैं उस चीज को भी पा लूं जो ये सब कुछ डिफाइन कर रहा है, क्योंकि मैं पाने के बाद भी अधूरा ही महसूस कर रहा हूँ, करता हूँ, करता रहूंगा। हाँ, कॉन्शियसनेस जस्ट सेटिस्फैक्शन है खुद के लिए कि हमने उसको पा लिया है, पा लिया है, लेकिन उसका ना पाना ही हमारी सबसे बड़ी अधूरी कहानी। अच्छा। वो सेटिस्फैक्शन करने के लिए अपने लिए हम लोग डिफिनेशन बनाते हैं कि जो नहीं मिला वो कॉन्शियसनेस है। हाँ। जो नहीं मिला कॉन्शियसनेस है। हाँ। ये तो डिफिनेशन तुम बना रहे, नहीं मिला वही दुख है, वही दुख है। हाँ। वही दुख भी, वही दुख है, डिजायर है सब। अब जैसे कि यहाँ मैं बैठा रहा हूँ, बस जो भी डिजायर आ रहा है मन में उसको देखो ही ना, मतलब देख रहा हूँ ये मेरा डिजायर नहीं है, तो मैं, मुझे जैन का एक जब ट्रोलिंग बात याद आती है कि जैन फिलॉसफी को लोग इस तरीके से भी ट्रोल करते हैं कि जैन फिलॉसफी हर फिलॉसफी में एक समन्वय बैठाने के लिए, समन्वय बैठाने के, समन्वय बैठाने, मतलब वो कहता है कि स्यादवाद, स्यादवाद, वो कह देगा स्यादवाद, मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम अभी हम राजू और नीर खूब लड़ाई लड़ रहे हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स विद अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी वी आर फाइटिंग टू ईच अदर, और बाद में क्या पता चलता है, स्यादवाद आता है, एंट्री लेता है, राजू इज ट्रू, वो आया और इस तरीके से बोला, और वो बस समन्वय बैठा दे रहा है दोनों के बीच में, ऐसा ही करता है मुझे लग रहा है। हाँ, सात तरह के उन्होंने वो दिए स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सब कुछ है नहीं है, आप सबको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी में आप ये भी कह दे रहे हैं कि सब कुछ अनिर्वचनीय भी है। उनका चौथा स्टेटमेंट है सत अवत्यम, मतलब कि इनडिस्क्राइबेबल कुछ ऐसा करके, और उसके बाद भी आप तीन स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी यही था कि वो यही बताना चाह रहे थे कोई भी चीज के बारे में कोई फिक्सिटी नहीं है, कोई फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई फिक्स्ड डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन नहीं, कोई भी धारणा होती है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, वो फिक्स बना देती है हमको, तो उसी चश्मे के थ्रू हम लोग देखने लगते हैं, जैसे कि ये चश्मा है, यही हमारी धारणा। व्हाट अ कोइंसिडेंट, हम दोनों चश्मा पहनते हैं, हम दोनों धारणाओं से भरे हैं। ये पॉल्यूशन है, पता है ये पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन है, लेकिन यही जो ब्लरी विजन है उसको अच्छा भी करता है प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है फिजिकलिटी में अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ, ये पॉल्यूशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं तुमको देख रहा हूँ इस बीच में ये पूरा एक पॉल्यूशन है, ये भी नहीं है सब। हाँ, ये स्पेस अब कुछ नहीं है, तुम्हें लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन कुछ है, कुछ है, और वो कह रहा है कि यही राजू है, मैं क्यों मानू, तुम ही हो, क्यों मानू, मैं हूँ, मैं ही हूँ,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉल्यूशन है या ट्रैफिकिंग जिसको बोल सकते हो, जो ट्रैफिक क्रिएट कर रहा है, और फिर भी हमें लगता है कि कभी हमने खुद को तो देखा नहीं। मैं तो खुद को कभी नहीं देखा, तुम देखे क्या? हम लोग खुद को कहाँ देख पाते? तुम अपनी आंखों से देखते हो, अपनी आंखों से तुम्हें, हम एक दूसरे की आंखों से देख पा रहे हैं। हम शीशे में भी देखते हैं तो शीशा हमें पता नहीं कि हमें सही दिखाता है कि नहीं दिखाता है। फिर तुम डिफाइन कर देते हो कि नहीं तुम ऐसे ही दिखते हो, लेकिन कभी भी हम लोगों ने खुद की आंखों से खुद को तो नहीं देखा, फिजिकलिटी में देखा क्या? नहीं, नहीं, ये तो बात सही है, कभी हम लोगों ने नहीं देखा। और लेकिन तो मैं सकता है, एक बात से डिसएग्री करना चाहूंगा, आपने जो बोला कि ये पॉल्यूटेंट है, असल में ये नेचुरली हमारे और बीच में कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, वो सब पॉल्यूटेंट यहाँ है। मतलब अगर ये देखो, मैं बस इविल टॉक कर रहा हूँ, मैं आई एम टॉकिंग एज अ इविल टॉक, इविल टॉक, ओके, हां, एन इविल टॉक, लाइक व्हाट, दिस इज क्रिएटर, दिस इज क्रिएटर, दिस इज क्रिएटर एंड मेड दिस वर्ल्ड, ओके, आई एम क्रिएटर, मेड दिस वर्ल्ड, एविल एंट्री लेता है, क्रिएटर सोचता है कि मैंने जो बनाया वो मुझे दिखता है, एविल इसमें डाला हुआ है ढेर सारे पालू वर्ड, पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स, या शैडो सेल्फ, शैडो सेल्फ, और वो अभी भी क्रिएटर सोचता है कि मैं जैसा बनाया मुझे दिख रहा है वो सब कुछ सही चल रहा है। हो सकता है कि उसने जो दुनिया बनाई है उसको ऐसा लगता हो कि हमने बनाई है वो सब सही चल रहा हो, और बीच में ही एविल मजे ले रहे हैं, मतलब सम अदर आइडियाज केम एंड चेंज एवरीथिंग, और वो उसको जैसे कि हम लोग मूवीज में देखते हैं, साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज एलिमिनेट कर देते हैं, मैनिपुलेट करके कुछ और दिखाते हैं जो उनको दिखाना होता है। हो सकता है कि क्रिएटर भी डीप फेक का शिकार हो गया हो, और वर्ल्ड जो है एक्चुअली जो वर्ल्ड है, और वो कुछ और चल रहा है, और हम लोग वहां फंस गए हैं, और ये नेचर जो है वो हमें एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह यूज कर रहा है, वो हमें फंसा चुका है प्यार में, वो हमें फंसा चुका है अट्रैक्शन में, ईर्ष्या में, झगड़े में, और वो एक पल में सब कुछ खत्म कर देता है बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर के थ्रू। देखिए, जो फंडामेंटल नेचर की जो देन है वो रिप्रोडक्शन ही है, मतलब जो बॉडी है वो हमारी, उसको ये जो बॉडी है उसको आपके पढ़ाई से या किसी भी चीज से मतलब नहीं, उसको केवल खाना चाहिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। और ये तमाम चीजें, जैसे जब एजुकेशन की बात आती है, एजुकेशन इन अ फिलोसफिकल वे, एजुकेशन इज नथिंग एंड इन यूजलेस थिंग, nothing and useless thing, it's just a collection of thoughts in your brain, information, actually देखो education, ये सब कुछ जो भी है, ये जो ठक ठक करके पीछे मूर्ति बना रहा है, ये सब क्या है? मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ, जो मुझे दिखना दिख जाता है, वो मैं सोचता हूँ कि समाज को बस लंबे दूर तक ले जाने के लिए बनाया गया, बस इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। Exactly. हाँ, और ये भी मानता हूँ कि ये एज ए ह्यूमन स्पीसीज ग्रेट डिस्कवरी फॉर अस, ये क्योंकि हमें जिंदा रखने का, हमें दूर तक जाने का सबसे आसान रास्ता था। तो एजुकेशन, वाई नीड एजुकेशन, एक्चुअली एजुकेशन इज सिंपलेस्ट फॉर्मेट फॉर डेवलपमेंट, फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरीथिंग, फॉर जस्ट कीपिंग द सोसाइटी गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, अदरवाइज टेंस टू 100% विद बैलेंस, इन बैलेंसिंग वे, बस नथिंग मोर, अदरवाइज दिस टॉक इज जस्ट फॉर लाइफ, so that the society keeps on going on, you produce more videos in the future, this desire in you to create videos is just to for the to survival survive of this entire existence and balancing the society and myself too, balancing the vibrations. To ye as a human being, jab hum log bahut hi asahay hain, bahut hi zyada, actually ye kya hai, hum log asahay to hain, hum log kuch kar pa rahe hain kya? In a real sense, not because heartbeat, the breathing, the thoughts, क्या अभी मैं आपसे बोलूँ कि आप pink elephant के बारे में मत सोचिए। सोचेंगे। हाँ, जैसे कोई don't वाला जैसे ही आप करेंगे तो mind उसको बोलेगा कि और, क्योंकि mind की आधी आधी energy हो जाती है, फिर उस चीज को दबाने में करता है। Dear cameraman, just shake it on or off. वो दोनों साथ में, आपने ये भी जाना होगा कि जो पार्टिकल होता है वो एक समय पे आप, हो सकता है कि मैं एम्प्टी स्पेस हूँ, मैं वेव हूँ, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब आप पार्टिकल भी हैं और वेव भी हैं।
तो आप ऑन भी हैं ऑफ भी सब कुछ एक साथ। मैं एक वार्निंग देना चाहूंगा जिसको बातें ना समझ में आए वो कृपया इसी सोसाइटी के साथ अपनी बातों को आगे बढ़ाए। दिस इज एंडलेस टॉक एंड दिस इज वी आर टॉकिंग इन अ फिलोसफिकल वे वी हैव वी आर टॉकिंग इन अ लाइक यू कैन से अ फ्री वे लाइक फ्री वे लाइक जो भी आ रहा है उसको एक तरीके से बोलने का प्रयास किया जा रहा है मतलब because, एक तरीके का कोई फिल्टर नहीं है बिकॉज आई एम अ गुड थिंकर गुड थिंकर I saw and I felt. Is there a thinker? I'm feeling. Is there a thinker? क्या हमारे अंदर सोचने वाला है कि सोचने वाला भी एक विचार है? क्या जो सोचने वाला है वो भी एक विचार है? क्योंकि actually मैंने ना इसके लिए भी बनाया कुछ. Yes. I discovered something for this. Okay. और this is actually what? This is okay. तब तक मैं खुद पे नहीं डाउट करूंगा. जब तक मैं हूँ एज इट इज दिस ऑलरेडी डिस्कवर्ड एक्चुअली बट आई हैव समथिंग डिफरेंट तब तक मैं खुद पे डाउट नहीं करूंगा जब तक मुझे कुछ और डाउट करने के लिए नहीं मिल जाता है ओके सो मैं कुछ और